सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड ये जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि पेरेंट्स और टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि जब आपका बच्चा इस यूनिट को खत्म करेगा तो वो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं बखूबी समझ जाएगा सो माई डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा इसका पोइम uh, हम एक पढ़ते हैं इसके ऊपर अर्थ इज द थर्ड प्लान फ्रॉम द सन आप इसको गा के भी पढ़ सकते हैं अर्थ इज द थर्ड प्लान फ्रॉम द सन लिविंग ऑन इट Isn't it fun? Land and water is what you find. Land and water is what you find. Be sure to be kind each time it is mine. So my dear students, हमारा जो दुनिया है हमारी जिसमें हम रहते हैं इसको हम अर्थ कहते हैं और ये सूरज से तीसरे प्लैनेट है ठीक है मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स जो है लेक्चर नंबर वन उसमें मैं आपको पूरा सोलर सिस्टम जो है उसका मॉडल दिखाऊंगी और उससे जो है फिर हमें पता चलेगा कि कैसे एक प्लानट जो है वो सोलर सिस्टम में सन के इर्द गिर्द घूम रहा है सो so, उसके लिए आपको लेक्चर नंबर वन देखना पड़ेगा ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो टीचर को ये जो पोइन मैंने अभी पढ़ी है टीचर क्लास में इसको पढ़ सकती हैं बच्चों के साथ बच्चों को फोर्स ना करें कि वो इसको पढ़ें आपके साथ लेकिन अगर बच्चे खुश होकर पढ़ रहे हैं तो फिर आप उनको अपने साथ पढ़ाएं ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर द इंट्रोडक्शन सो वेन स्टार्ट लेक्चर नंबर वन दिल बी एबल टू आइडेंटिफाई अर्थ एजानी पहले लेक्चर में बच्चे जो है जो हमारी जमीन है ये एक स्यारा यानी कि प्लानट है शेप ऑफ द अर्थ जब बच्चे ये बात समझ जाएंगे कि जो हमारी जमीन है ये एक स्यारा है तो so, उसके बाद बच्चों को ये बताया जाएगा कि हमारी जो दुनिया है इसकी शेप किस तरह की है ये किस तरह की नजर आती है देन इन लेक्चर नंबर थ्री द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकोगनाइज एंड आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द अर्थ अगेन हम वही एस जो है लेक्चर थ्री में भी दोहराएंगे और इसमें हम एक एक्टिविटी करेंगे Then in lecture number four, the students will be able to recognize that the earth is covered with land and water. और lecture number फोर में बच्चे इस बात को समझ पाएंगे कि जो हमारी जमीन है ये किन किन चीजों से मिलकर बनी है इसके ऊपर कुछ हिस्सा पानी का है कुछ हिस्सा जो है वो जमीनी हिस्सा है यानी कि खुश्की का हिस्सा है स्टूडेंट बी एबल टू अर्थ इज कवर्ड विन एक्टिविटी ऑन दिस एस एल ओ पहले हमने लेक्चर फोर में भी यही एस एल ओ पढ़ा है लेक्चर फाइव में हम इसके ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे यानी कि हम इसका एक मॉडल बनाएंगे क्चर नंबर सेवन विल बी द रिट जिसमें हम तमाम रीडिंग पेजेस को और एस एल ओ को रिवाइज करेंगे एंड बाय द एंड आई विलोवाइड विदेसमेंट शीट सो माई डियर स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्टिविटीज से भरा हुआ है और आप इसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे गुड डे एंड अल्हज